उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेताओं में वार तकरार तेज हो गई है। सार्वजनिक मंचों के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ तीखे तंज कसे जा रहे हैं। सोमवार को ऐसी ही एक तकरार यूपी सीएम योगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच देखने को मिली। दिल्ली के सीएम ने लोकसभा में प्रवासी मजदूरों पर पीएम मोदी के बयान को झूठा बताया था, जिसके बाद दोनों ने नेताओं के एक दूसरे पर निशाने पर ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के इस तंज पर केजरीवाल भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, ऐसी निर्दयी और क्रूर शासन मैंने नहीं देखा। तो योगी केजरीवाल का ट्वीट पर वार और पलटवार का दौर देखा गया। दोनों में चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। आपको बता दें, केजरीवाल का मोदी योगी पर हमला, योगी केजरीवाल का ट्वीट पर वार और पलटवार का दौर जारी है। दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं। केजरीवाल ने योगी और मोदी को आड़े हाथों लिया। दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। कल ट्वीट के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए।